हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नाउन का कंसेप्ट क्या है और इसे कैसे आसान तरीके से समझा जाए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं फाइनली एक वीडियो बनाया जाए ताकि आप सभी का डाउट्स क्लियर हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देखें कि नाउन क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो उर्दू में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल उर्दू टू इंग्लिश बाय आलम पर जाएं, जहां आपको उर्दू वाले वीडियोज मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नाउन? अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड अ थिंग। फ्रेंड्स, आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन यानी संज्ञा, उस शब्द को कहते हैं जिसे किसी इंसान, जगह या किसी वस्तु का नाम का पता चले। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, थिंग मीन्स वस्तु होता है, लेकिन ये वर्ड थिंग का मीनिंग बहुत ब्रॉड है और वर्ड थिंग के अंदर देश, नदी, पहाड़, सागर, महासागर और वो सभी नाउन्स आते हैं जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं और जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। ये सभी चीजें थिंग्स के अंदर आती हैं, यानी वर्ड थिंग एक बहुत व्यापक अर्थ रखता है। तो फ्रेंड्स, किसी इंसान के नाम जैसे आशा, राजू, लता, रहीम नाउन होता है। किसी जानवर का नाम जैसे काऊ, गोट, लायन, कैट नाउन होता है। किसी जगह का नाम जैसे लखनऊ, दिल्ली, आगरा नाउन कहलाता है। किसी वस्तु का नाम जैसे बुक, टेबल, चेयर। और फ्रेंड्स, वस्तु में ही गंगा, यमुना, गोदावरी यानी नदियों के नाम आते हैं। तो किसी सामान के नाम को नाउन कहते हैं। नदियों के नाम भी नाउन होते हैं। पहाड़ों के नाम जैसे हिमालयाज, अरावली नाउन होते हैं। किसी किताब का नाम जैसे बाइबल, कुरान, गीता नाउन कहलाते हैं। दिनों के नाम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे नाउन कहलाते हैं। महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नाउन कहलाते हैं। खाड़ियां या समुद्र का नाम जैसे इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी नाउन कहलाते हैं। नेचुरल सब्सटेंस यानी प्राकृतिक पदार्थ जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर नाउन कहलाते हैं। कामों के नाम जैसे लॉफ्टर, हंसी, थेफ्ट, चोरी नाउन कहलाता है। और किसी समूह का नाम यानी किसी ग्रुप का नाम जैसे क्लास, आर्मी और फैमिली नाउन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होते हैं। आइए अब देखें कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं या नाउन कितने तरह के होते हैं। नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। और चौथा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवा, ऑब्जेक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। आइए एक एक करके पांचों के बारे में डिटेल से जानते हैं। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं। प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो किसी खास यानी पर्टिकुलर इंसान, जगह या किसी वस्तु के लिए हो। जैसे किसी व्यक्ति का नाम यानी अमन, नूर, आफरीन, या किसी जगह का नाम जैसे कानपुर, आगरा, मुंबई, या किसी वस्तु का नाम जैसे ताज, टेबल, चेयर। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन उस नाउन को कहते हैं जिससे कोई पर्टिकुलर इंसान, जगह या कोई थिंग्स का पता चले। आइए अब कॉमन नाउन के बारे में जानते हैं। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा।
फ्रेंड्स कॉमन नाउन किसी एक खास यानी पर्टिकुलर इंसान वस्तु या जगह का बोध नहीं कराती है बल्कि एक ही जात के सभी वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध कराती है। जैसे वस्तुओं का नाम टेबल चेयर बुक, व्यक्ति जानवर या पक्षी का नाम बॉय गर्ल काउ पैरट। तो यहाँ फ्रेंड्स आपने ये सीखा कि कॉमन नाउन में कोई खास इंसान का नाम जगह का नाम या जानवर का नाम का पता नहीं चलता है बल्कि एक ही जात की सभी वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बॉय, तो यहाँ हम किसी खास लड़के की बात नहीं कर रहे हैं जैसे राजू अमन इमरान, तो यह हम किसी खास लड़के की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि यहाँ हम एक ही जात के सभी व्यक्तियों के बारे में बात किए, यानी हम हर तरह के लड़कों के बारे में बात किए। ये होता है कॉमन नाउन। यहाँ मैंने बताया गर्ल, यहाँ वर्ड गर्ल से कोई खास लड़की का बोध नहीं हो रहा यानी कोई खास लड़की जैसे लता मंगेशकर, तो यहाँ किसी खास लड़की का पता नहीं चला बल्कि हमने यहाँ एक ही जात यानी लड़की जात के सभी व्यक्तियों का बोध कराया। ये होता है कॉमन नाउन फ्रेंड्स। किसी एक खास यानी पर्टिकुलर इंसान का नाम जानवर का नाम सामान का नाम को नहीं बताती है बल्कि एक ही ग्रुप के सभी व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बात करती है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, वो संज्ञा जो किसी एक ही जात के सभी व्यक्तियों या वस्तु के बारे में बात करे। आइए फ्रेंड्स अब कलेक्टिव नाउन के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा किसी झुंड व्यक्तियों का समुदाय तथा वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी कोई झुंड या किसी इंसानों का एक समुदाय या फिर किसी वस्तुओं का एक समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास आर्मी फैमिली क्राउड, क्लास मीन्स विद्यार्थियों का समूह, आर्मी मीन्स सैनिकों का समूह और क्राउड मीन्स लोगों का समूह। तो फ्रेंड्स कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा यानी एक ऐसा नाउन जो किसी इंसानों के समूह या किसी वस्तुओं के समूह के बारे में बताए। आइए फ्रेंड्स अब मेटेरियल नाउन के बारे में जानते हैं। मेटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। मेटेरियल नाउन से ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिसे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। कहने का मतलब है फ्रेंड्स उस नाउन को हम मेटेरियल नाउन कहते हैं जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जाती है। जैसे गोल्ड, आप जानते हैं फ्रेंड्स गोल्ड से रिंग बनाई जाती है। जैसे दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यह रिंग सोने से बना हुआ है। सिल्वर यानी चांदी से जेवरात बनते हैं। उसी तरीके से कॉपर वाटर ऑयल, इन सभी नाउन से कोई दूसरी नाउन तैयार होती है। तो इस तरह का नाउन जिससे कोई दूसरी सामान बनती हो उसे हम मेटेरियल नाउन कहते हैं। आइए फ्रेंड्स अब पांचवा और लास्ट के बारे में बात करें। फ्रेंड्स पांचवा टाइप है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस नाउन से किसी गुण यानी क्वालिटी दशा यानी स्टेट काम का बोध होता है उसे हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्वालिटी जैसे गुडनेस यानी अच्छाई, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ब्यूटी यानी सुंदरता। स्टेट जैसे लॉफ्टर चाइल्डहुड डेथ। एक्शन यानी कोई काम थेफ्ट चोरी का काम रिवेंज बदला लेने का काम और जजमेंट यानी फैसला देने का काम। तो फ्रेंड्स ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्वालिटी स्टेट और एक्शन का पता चलता है। फ्रेंड्स यहां मैं आपको एक और खास बात बता दूं, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़कर बाकी सभी नाउन को आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप सूंघ सकते हैं, आप उसे चख सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है
जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप सुन नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम चख नहीं सकते। तो उम्मीद है फ्रेंड्स अब आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। फ्रेंड्स अगर वाकई आपको यह लेसन समझ में आया तो प्लीज मेरे दो सवालों का जवाब दीजिए, बताएं बंच और सिकनेस ये किस तरह के नाउन हैं। आंसर जरूर दीजिएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।